अप्रैल की झुलसाने वाली गर्मी के बीच इन दिनों दिल्ली वालों पर मौसम मेहरबान है। दो दिन से राजधानी दिल्ली समेत दो चौथाई हिंदुस्तान में मौसम सुहाना हो रखा है। इससे लोगों को झुलसाती गर्मी से राहत तो मिली ही, साथ ही रविवार को पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार 15 अप्रैल को भी आसमान में बादल और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली को लेकर IMD ने भविष्यवाणी की है कि दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के साथ साथ NCR के ज़्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके चलते मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इतना ज़रूर है कि दिल्ली में जहां अप्रैल महीने की शुरुआत से ही झुलसाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, तो वहीं अब पिछले दो दिनों से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अभी उन्हें चिलचिलाती गर्मियों का कुछ दिनों तक सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरे हफ्ते बीच बीच में बादलों की आवाजाही, तेज हवा और हल्की बारिश का सिस्टम बना रहेगा। उधर बिहार में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत आसपास का मौसम सामान्य बना रहेगा। उत्तरी बिहार की बात करें तो मधुबनी, सुपौल, अररिया, रोहतास, गया और नवादा में बादल गरजने के साथ ही बारिश की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम में अभी विशेष बदलाव के आसार न के बराबर हैं। 20 अप्रैल तक मौसम सामान्य बना रहेगा। पटना समेत दक्षिणी भागों में ज़्यादातर हिस्सों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। IMD ने बिहार के अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश और अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। इसके अलावा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज के साथ हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।